श्रीराम जन्मोत्सव समिति द्वारा इस बार भी लगातार 39वें वर्ष में भी श्रीराम नवमी का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके पूर्व समिति द्वारा रविवार को भिलाई के सभी प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न मंदिरों एवं पूजा स्थलों को ध्वज लेकर निकलने वाले ध्वज वाहकों का सम्मान सेक्टर 10 स्थित गुंडीचा मंडप में कार्यक्रम में किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि एवं श्रीराम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक व पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा किया गया। कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने 4 दशक से लगातार इस रामनवमी के कार्यक्रम को करते हुए उस कालखंड से अगर 4 दशक होना तो लगभग आप 40 साल पहले चले जाओ, इसमें बहुत से 40 साल वाले होंगे भी नहीं। विभिन्न मंदिरों से ध्वज लेकर के उस विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ आंधी तूफान सब आया, इसके बाद भी वे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। ऐसे ध्वजवाहकों के लिए पहले जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया। क्योंकि ये ध्वजवाहक इधर ग्रामीण धनोरा से लेकर के जोरा तराई पुरैना कुम्हारी आपके जोरवानी से लेके हुक्को छावनी डामुल सेक्टर के विभिन्न मंदिरों से लगभग 1100 मंदिरों से ध्वजवाहक वहां पहुंचते हैं। और ये जो आज एक विशाल राम भक्तों की सेना खड़ी हुई है, सक्रियता से जिन्होंने लगातार 4 दशक काम किया है, और ये ध्वजवाहकों का सम्मान हम लोग इसलिए करते हैं। ये ध्वजवाहक सिर्फ ध्वजवाहक नहीं रहते, ध्वज वही उठाता है जो 9 दिन उपवास कर ध्वज उठाने वाला पूरा नियम कायदे के पालन करते हुए और उस ध्वज को लेकर के वहां तक चलता है। आप कल्पना करो कि उपवास की अवस्था में और इतने बड़े ध्वज को लेकर के वहां तक चलने का अवकाश, पूरे उसकी जितनी प्रक्रिया है उन सबको अपनाते हुए वहां तक लेके जाते हैं। और पूरे मोहल्ले में पहले घर पार अपना घर निकालते हैं, और ये इसलिए वे सब का सम्मान करना हम सब राम भक्तों का ये दायित्व बनता है कि वे ही असली मुखिया हैं जो उस ध्वज को लेकर के चलते हैं। हम सब तो अपने अपने हिसाब से उनके आगे पीछे विभिन्न तरीकों से चलते हैं।